जय श्री राम जी। सभी को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं सुबह उठ के पिया मैंने पानी, और फिर मैंने रात को अपने थोड़े सीक्रेट्स रेसिपी छुपा के बना रखी थी उसको खाया धूप में बैठ के। और नीचे बैठ के खाने से थोड़ी सी अपनी पचाने की शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है। और आ गया खा के मैं रूम में, हो गया तैयार। और काम पे जाने के लिए अभी पैदल जाऊँगा काम पे, तो थोड़ी सी बारिश का मौसम हो रहा था तो छाता भी पकड़ रखा था। आगे फिर काम से घर पे थक हार के अभी तो सोच रहा हूँ मैं कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ। अभी शुरू हो गया। फिर मैंने एक्सरसाइज करने के बाद नहा लिया। अभी जा रहा हूँ मैं रसोई की तरफ कुछ बनाने के लिए, और जाके पिया पानी क्योंकि एक्सरसाइज करके गला सूख रहा था। और मैंने उठा लिया अपना चार्जर भी साथ में क्योंकि वीडियो भी रिकॉर्डिंग करनी थी किचन में खाना बनाते हुए। ये देखो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये मेरा नाम लिख दिया है इन्होंने। अभी मैं जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए। ये उठा लिया अपने हथियार और हो गया मैं अपने काम पर शुरू। अभी बनाऊँगा थोड़े से चपाती, जो कि मैंने कच्ची और पक्की बना ही लेता हूँ मैं। और ये मैंने गोल गोल रोटी को घुमाया। अरे इंडिया होते तो कोई ना कोई बना देता है, पर यहीं यहाँ पे तो खुद ही बनानी पड़ती सब कुछ। और ये मैंने अच्छे से इसको गोल आकार में बना दिया। अभी अच्छे से इसको बेल के थोड़ा सा और ड्राई करके इसको अच्छे से बेल के फेंकू का तवे के ऊपर, जिससे ये अच्छे से बन के हो जाएगी तैयार। और मैं आप सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ी सी अच्छी किताबें पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, राम भगवान का नाम लीजिए, जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, तो आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो सक्सेस होंगे ही होंगे। जो मैंने ये चैलेंज लिया है ये स्टे फिट चैलेंज, इससे मेरा कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा है क्योंकि ये मेरे सब कुछ मेरे लिए है। और ये मैंने अपने खाने के लिए, सुबह के खाने के लिए दूध को गर्म कर दिया। जा रहा हूँ अपने रूम में खाने के लिए। जय श्री राम, मिलते हैं अगले ब्लॉग।